नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एग्री टॉक पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों। शुरू करने से पहले हम शुगर केन यानी गन्ने की खेती के लिए कुछ मुख्य टर्म्स देख लेते हैं, जैसे हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे इसमें हमें बॉटनिकल नेम, ट्यूएन नंबर्स यानी क्रोमोसोम नंबर्स, ओरिजिन, क्लाइमेट, सॉयल, सीड रेट, सोइंग टाइम, सोइंग मेथड, इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन, पेस्ट एंड वीड कंट्रोल, मैनेजमेंट और प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। गन्ना यानी इंग्लिश में शुगर केन, इसका बॉटनिकल नेम होता है सैकेरम ऑफिसेरेनम। इसका कुल ग्रेमिनी होता है। यह चीनी उद्योग का कृषि पर आधारित उद्योगों में टेक्सटाइल उद्योग के बाद दूसरा स्थान है, यानी टेक्सटाइल उद्योग के बाद इसका दूसरा स्थान है। विश्व में ब्राजील गन्ना उत्पादन में प्रथम व भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश तथा प्रथम महाराष्ट्र राज्य का दूसरा स्थान है। गन्ने की उत्पादकता में तमिलनाडु राज्य का प्रथम स्थान है। गन्ने के पुष्पों को एरो और ओपन पेनिकल कहते हैं। गन्ना C4 एवं इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट पौधा है। C4 पौधा एवं इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट है। गन्ने में 78% पानी, 8-21% सुक्रोज व गुड 8-10% पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गन्ने के कुछ प्रमुख वर्गीकरण हैं, जैसे पहला है सैकेरम ऑफिसेरेनम, इसे नोबल केन कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि नोबल केन किसे कहते हैं, तो इस सैकेरम ऑफिसेरेनम, इसे ट्रॉपिकल गन्ना भी कहते हैं। उत्पत्ति स्थान इसका है न्यू गिनी। भारत में मुख्यतः यह गन्ना उगाया जाता है सैकेरम ऑफिसेरेनम। यह गन्ना मीठा व रसीला होता है, जो चबाने के लिए अच्छा होता है। इसमें शर्करा की मात्रा अधिक व रेशा की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें सुक्रोज यानी शर्करा अधिक होता है और फाइबर्स कम होते हैं। नोबल केन को टीएस वेंकटे रमन ने विकसित किया, इसलिए ये शुगर केन विजार्ड के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है। दूसरा है दोस्तों सैकेरम बारबेरी, यह भारतीय गन्ना कहलाता है। तना पतला, छोटा व मीठा होता है। अगला है दोस्तों सैकेरम साइनेंसिस, इसे चाइनीज गन्ना कहते हैं। यह गन्ना लंबा पतला होता है तथा पत्तियां छोटी होती हैं। जंगली प्रजातियां हैं इसमें कुछ, सैकेरम स्पॉन्टेनियम और सैकेरम रोबस्टम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गन्ने की खेती के लिए जलवायु, उष्णकटिबंधीय पादप है जिसे गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें जल 1500 से 2500 mm की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान के कारण सुक्रोज ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे गन्ने की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अधिक तापमान में जो सुक्रोज है शुगर गन्ने के अंदर, वह ग्लूकोज में बदल जाता है। अच्छी वृद्धि हेतु 26 से 32 डिग्री सेल्सियस इसका उचित तापमान होना चाहिए। पकाव के लिए उचित तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उत्तरी भारत में ठंडा जलवायु रहने से गन्ने की उपज कम रहती है। मृदा, गन्ने की खेती के लिए बलुई डोमट से चिकनी मृदा उपयुक्त है। बीज दर, 3 आंख वाले 35 से 40 हजार गन्ने के टुकड़े यानी सेट्स, उन्हें सेट्स कहते हैं गन्ने के टुकड़ों को, 3 आंखों वाले जो 10 से 12 माह पुरानी फसल के हों, प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। 2 आंख वाले 80,000 से 1 लाख गन्ने के टुकड़े यानी सेट्स को 10 से 12 माह पुरानी फसल के हों, प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। सेट्स का मतलब है दोस्तों, जैसे गन्ने आप देखे होंगे उसमें धारियां लगी होती हैं, जैसे एक टुकड़ा लेंगे धारी उसके नीचे करेंगे फिर धारी, तो 3 आंखों वाले उन्हीं को आंखें कहते हैं। अगला है
बुआई हेतु गन्ने के टुकड़े ऊपरी एक तिहाई से आधा भाग काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है जो अंकुरण में सहायक होती है। ऊपर से एक तिहाई भाग गन्ने का बुआई के लिए काम में लेते हैं। बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट। बुआई में काम आने वाले गन्ने के टुकड़े को एगालाल या एरेटान या बाविस्टीन एट द रेट 0.2% के घोल में डुबोकर रोपाई करते हैं। लाल सड़न रेड रॉट रोग की रोकथाम के लिए टुकड़ों को गर्म जल 54°C पर 10 मिनट के लिए उपचारित करते हैं। पंक्ति से पंक्ति दूरी यानी स्पेसिंग कैसा होना चाहिए बुआई के समय गन्ने का, 60 से 90 सेंटीमीटर इसका स्पेसिंग होना चाहिए। सोइंग टाइम यानी बुआई का समय, गन्ने की बुआई कब करें, शरदकालीन गन्ना अक्टूबर में, बसंतकालीन गन्ना यानी स्प्रिंग सीजन फरवरी मार्च में जो कि ज़्यादातर उत्तरी भारत में होता है। शरद और बसंतकालीन एक साल की फसल होती है जबकि अड़साली 18 महीने की फसल होती है। वर्षाकालीन अधसाली जुलाई में, अधसाली यानी वर्षा के समय जब गन्ने की फसल होते हैं तो उसे अधसाली कहते हैं, यह जुलाई में बोया जाता है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। गन्ने की कुछ प्रमुख किस्में यानी वेराइटीज COS 1148, COS 9254, COS 1253, CO 149। वंडरकेन जिसे कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है वंडरकेन किसे कहते हैं, तो CO 1449, फिर CO 449। SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। बुआई की विधि यानी सोई मेथड्स। गन्ने को कई प्रकार से बोया जाता है, जैसे पहला है समतल विधि फ्लैट मेथड। इस विधि से उत्तर भारत में उगाया जाता है। यह साधारण में समान विधि है, गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर तथा दूरी 90 सेंटीमीटर रखते हैं। दूसरा है खाई विधि। दूसरा है खाई विधि ट्रेंच मेथड। यह विधि जहाँ फसल हवा से गिरने की समस्या रहती है वहाँ उपयुक्त है, यानी समुद्रीय के तट वाले क्षेत्रों में। अगला है फरो मेथड ऊंट विधि। 90 सेंटीमीटर दूरी तथा गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। गन्ना बुआई की सबसे उपयुक्त विधि यही है जो उत्तर व दक्षिण भारत में अपनाई जाती है। सबसे अच्छी विधि जो गन्ना बुआई की होती है वो फरो मेथड होती है, आप लोग ये जान लीजिए। गन्ने में रेटनिंग, यह गन्ने में की जाने वाली एक प्रक्रिया है। गन्ने की कटाई के बाद अवशेष तने के अंकुरण होने से नई फसल लेना। इसमें सामान्य फसल की अपेक्षा 20% अधिक नाइट्रोजन दी जाती है। गन्ने की फसल में की जाने वाली क्रियाएं, जैसे ब्लाइंड होने यानी अंधी गुड़ाई, गन्ना एवं आलू की फसल में बुआई के बाद व अंकुरित होने से पहले हल से बुआई करना। दूसरा है मिट्टी चढ़ाना अर्थनिंग। जुलाई अगस्त माह में पौधों के तने के पास मिट्टी चढ़ा देते हैं। यह क्रिया समतल विधि में बोए गए गन्ने में दक्षिण भारत में करते हैं। अगला है बांधना यानी टाइपिंग। पत्तियों को 10 से 15 पौधों को आपस में बांधना, जिसे पौधे गिरे नहीं इसलिए करते हैं। ट्रेसिंग यानी जलाना, पत्तियां जलाना, खराब पत्तियों को जला दिया जाता है। प्रोपिंग, पौधे के तने को सूखी पत्तियों से ढक देते हैं। अगला है फर्टिलाइजर या पोषक तत्व देने की क्रिया। नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटास NPK 120, फास्फोरस 60 किलो तथा पोटास 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट यानी इरिगेशन कह सकते हैं। गन्ने की सिंचाई की प्रमुख अवस्थाएं, यानी गन्ने की जैसे वीट में 6 अवस्थाएं हैं, वैसे भी गन्ने में भी कुछ प्रमुख अवस्थाएं हैं। जैसे पहला अंकुरण अवस्था जर्मिनेशन फेज बुआई के 60 दिन तक। दूसरा है फॉर्मेटिव अवस्था यानी फॉर्मेटिव फेज 60 से 130 दिन, इस समय अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला है ग्रांड फेज बुआई के 130 से 250 दिन तक। उसके बाद है मैच्योरिटी फेज 250 से 350 दिन तक करते हैं। खरपतवार नियंत्रण वीड मैनेजमेंट 2,4-D फसल अंकुरण के 30 से 40 दिन बाद पोस्ट इमरजेंसी यानी गन्ना की बुआई के बाद 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर से प्रयोग करते हैं। अगला है एट्राजीन अंकुरण से पूर्व प्री इमरजेंस यानी बुआई से पहले 2 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। अगला है गन्ने में लगने वाली कुछ प्रमुख कीट। पायरीला
तना छेदक, चोटी भेदक, सफेद लट, दीमक। दोस्तों आप इसके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला है गन्ने में लगने वाले रोग यानी डिजीज। पहला है लाल सड़न रोग, पोलेटोट्रिकम पालकेटम नामक फफूंद द्वारा होता है। यह गन्ने का प्रमुख रोग है। इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं। गन्ने को चीरने पर लाल रंग की लंबी धारियां दिखाई देती हैं एवं रोग ग्रसित पौधे में दुर्गंध आती है। अगला है स्मट यानी कंटवा रोग। यह स्टिलागो सीडेमिनिया नामक कवक द्वारा होता है। इससे डंठल की झिल्ली टूटने पर काला चारकोल के समान पाउडर निकल कर बिखर जाता है। इसे विप स्मट भी कहते हैं। अगला है रेटिनिंग स्टंटिस डिजीज RSD। यह जीवाणु द्वारा होता है। ग्रासी सूट या एल्बिनो माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। गमोसिस जीवाणु द्वारा होता है। गमोसिस वो होता है जैसे आप देखे होंगे नींबू के पेड़ में कोंच जैसा पदार्थ निकलता है, वही गमोसिस होता है। तो गन्ने में भी होता है, गमोसिस जीवाणु द्वारा होता है। अगला है मैच्योरिटी टेस्ट यानी गन्ने की परिपक्वता परीक्षण। ब्रिक्स रीडिंग यानी गन्ना के मैच्योरिटी टेस्ट यानी गन्ना परिपक्व हो गया है कैसे पहचाने। पहला है ब्रिक्स रीडिंग। इसमें कुल घुलनशील ठोस TSS की मात्रा मापी जाती है यानी कितना उसमें घुलनशील ठोस है, इसे नापकर हम गन्ने की परिपक्वता जान सकते हैं। हैंड रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग 15 से 18 डिग्री परिपक्वता का सूचक है। यह एक रिफ्रैक्टोमीटर उपकरण है जिसे हम गन्ने की परिपक्वता जान सकते हैं। अगला है ब्रिक्स अनुपात। कटाई 0.9 से 1 ब्रिक्स अनुपात पर करनी चाहिए। अगला है फेलिंग टेस्ट। परिपक्वता के लिए ग्लूकोज रीडिंग 0.5% परिपक्वता का सूचक है। ग्लाइफोसेन पोलैरिस एट रेट 5 kg पर हेक्टर गन्ना पकते समय शीघ्र परिपक्वता के लिए प्रयोग करें। तने से धात्विक आवाज मेटालिक आने पर कटाई करनी चाहिए यानी तने में अगर धात्विक आवाज आए तो समझ लेना चाहिए गन्ना पक चुका है, उसकी कटाई कर देनी चाहिए। गन्ने के सौ उत्पाद बाय प्रोडक्ट्स। बेगा से ईंधन के रूप में जलाने व कागज बनाने के काम में आता है यानी बाय प्रोडक्ट्स जो गन्ने में सौ उत्पाद जो मिलते हैं। अगला है मोलासेस एल्कोहल बनाने व क्षारीय भूमि के सुधार हेतु काम में आता है। अगला है प्रेस मड अम्लीय भूमि के सुधार में काम आता है। अगला है दोस्तों प्रोडक्शन यानी उपज। गन्ने 400 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देते हैं। खाई विधि से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है तथा उत्तर भारत में एक साली गन्ना उगाने व ठंडा जलवायु होने के कारण औसत उपज 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। गन्ने में रटून फसल देने पर जल्द ही परिपक्व हो जाते हैं लेकिन उपज कम होती है। इसके साथ ही हमारा शुगर केन टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों।